भाद्रपद माह की दूसरी व शाही सवारी में भगवान श्री महाकाल ने 6 स्वरूपों में अपने भक्तों को दर्शन दिए। पालकी में भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर विराजित रहे। श्री महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक श्री गणेश कुमार धाकर ने बताया कि सवारी में रजत जड़ित पालकी में भगवान श्री महाकाल श्री चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में विराजित रहे और हाथी पर श्री मनमहेश, गरुड़ रथ पर श्री शिव तांडव प्रतिमा, नंदी रथ पर श्री उमा महेश जी के मुखारबिंद, ढोल रथ पर श्री होलकर स्टेट का मुखारबिंद व बैलगाड़ी में ढोल रथ पर श्री सप्तधान मुखारबिंद विराजित होकर नगर भ्रमण पर निकले। शाही सवारी निकलने के पूर्व श्री महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में विधिवत भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर का पूजन अर्चन किया गया। पश्चात अपनी प्रजा के हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकले। मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के द्वारा पालकी में विराजित भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर को सलामी दी गई। श्री चंद्रमौलेश्वर जी की पालकी अपने निर्धारित समय 4 बजे प्रारंभ होकर कोट मोहल्ले, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार चौराहा, कहारवाड़ी, हरसिद्धि पाल से रामघाट पहुंची। रामघाट पर पूजन अर्चन के बाद शाही सवारी रामानुजन कोर्ट, बम्बई वाले की धर्मशाला, गणगौर दरवाजा, खाती समाज का श्री जगदीश मंदिर, श्री सत्यनारायण मंदिर, कमरी मार्ग, टंकी चौराहा, तेलीवाड़ा, कंठाल, सीता मंदिर, छत्री चौक आदि स्थान पर होते हुए गोपाल मंदिर पहुंची, जहां सिंधिया स्टेट द्वारा परंपरानुसार पालकी में विराजित भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर का पूजन किया गया। काल के दरबार में अनादिकाल की सिंधिया स्टेट की परंपरा रही है, उसी क्रम के अंदर आज महाराज सिंधिया जी के द्वारा बाबा महाकाल की पूजन अर्चन की गई है। जय महाकाल।